जलमी टीवी से बात करने का बहुत शुक्रिया। सीजन टू आपने खेला क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, इस साल आप पिशावर जलमी के साथ खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, माशाल्लाह नाम भी आ रहा है। क्या डिफरेंस फील किया दोनों फ्रेंचाइजेस में? जी बिल्कुल, पहले दो सीज़न मैं क्वेटा के साथ था, वो दोनों दोनों सीज़न ही टीम फाइनल खेली, और इस सीज़न मैं पेशावर ज़लमी के साथ हूँ और ये टीम भी फाइनल खेल रही है। और मेरे लिए, मेरे ख्याल से मैं पहला वाहिद प्लेयर होगा PSL का जो तीसरे फाइनल में भी हूँ, और यही है, बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैं खेल रहा हूँ साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। साथ पहले आप क्वेटा से खेलते थे, पिशावर से खेल रहे हो, बड़ा क्रूशल मैच हुआ शारजा में, तो कुछ डिवाइडेड फीलिंग्स थी यार, पहले मैं उस टीम में था, अब मैं उस टीम के खिलाफ खेल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि जब आपको किसी टीम ने पिक कर लिया तो सारी आपकी फोकस उसी टीम की तरफ से होते हैं, और जो भी कोई भी प्लेयर होगा जो जिस टीम से खेल रहा होगा उसकी कोशिश होगी कि वही टीम जीते। तो मेरे भी ऐसे ही है कि मैं जिस टीम में आया हूँ, जैसे पेशावर ज़लमी में आया हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि मेरी टीम जीते, इस टाइम ये मेरी टीम है। साथ कुछ शुरू के मैचेस में आप कॉम्बिनेशन का ऐसा नहीं तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पिशावर जमी का बना हुआ था, ये फैंस को बताइए कि जब एक प्लेयर टीम में नहीं होता, बाहर बेंच पे बैठा होता है, क्या फीलिंग आती है? मिस आउट करते हैं कि मैं प्लेइंग में नहीं हूँ? जी बिल्कुल, शुरू में मैं कम्बिनेशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में प्रैक्टिस वैसे ही कर रहा था, अपनी फिटनेस पे वैसे ही काम कर रहा था। सकलैन भी बॉलिंग में मेरे साथ काम कर रहे थे, बैटिंग में मेरे साथ यूनस भाई ने बहुत काम किया, साथ जो है रहमान भाई जो हमारे मैनेजर हैं वो बहुत टिप्स दे रहे थे, तो जिस वजह से मुझे काफ़ी काफ़ी हेल्प रही, और मुझे थ्रू आउट दी टूर्नामेंट में कोई इतनी मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं टीम के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी उसी तरह अटेंड कर रहा था। तो यही है कि आगे भी जैसे ही मुझे चांस मिला तो मैंने वही अपना जो मेरी फॉर्म थी, शुक्र अल्लाह का वो साथ थी, तो जिसकी वजह से मैंने परफॉर्म किया। साथ एक सवाल तमाम फैंस पूछना चाह रहे हैं, पिशावर जलमी नीचे लगी हुई थी, बैक टू बैक चार मैचेस जीती, अब फाइनल में आ गई है, ये चेंज कैसे हुआ? क्या टीम में मोटिवेशन आई? कुछ हमें बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर ज़लमी बिल्कुल ऐसे थे कि नीचे जा रही थी, तो बैक टू बैक जो मैचेस जीते हैं उसमें तमाम प्लेयर्स का काफ़ी रोल था, स्पेशली कामी भाई का, उसके बाद बॉलिंग में हसन अली वहाब भाई के, काफ़ी सब ने मिल के जो है ना एक यूनिटी के साथ खेले हैं, जिसकी वजह से कि मैंने भी परफॉर्म किया, सब ने परफॉर्म किया, सब ने मिल के थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से ये टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, तो हम फाइनल में पहुंचे। साथ लास्ट दो सवाल, जो भी इनिंग्स आपने खेली अब तक PSL 3 में, सबसे यादगार इनिंग्स आपकी कौन सी रही है? जी बिल्कुल, मेरी सबसे यादगार थ्रू आउट दी टूर्नामेंट में कोई इतनी मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं टीम के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी उसी तरह अटेंड कर रहा था, तो यही है कि आगे भी जैसे ही मुझे चांस मिला तो मैंने वही अपना जो मेरी फॉर्म थी, शुक्र अल्लाह का वो साथ थी, तो जिसकी वजह से मैंने परफॉर्म किया। साथ एक सवाल तमाम फैंस पूछना चाह रहे हैं, पिशावर जलमी नीचे लगी हुई थी, बैक टू बैक चार मैचेस जीती, अब फाइनल में आ गई है, ये चेंज कैसे हुआ? क्या टीम में मोटिवेशन आई? कुछ हमें बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर ज़लमी बिल्कुल ऐसे थे कि नीचे जा रही थी, तो बैक टू बैक जो मैचेस जीते हैं उसमें तमाम प्लेयर्स का काफ़ी रोल था, स्पेशली कामी भाई का, उसके बाद बॉलिंग में हसन अली वहाब भाई के, काफ़ी सब ने मिल के जो है ना एक यूनिटी के साथ खेले हैं, जिसकी वजह से कि मैंने भी परफॉर्म किया, सब ने परफॉर्म किया, सब ने मिल के थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से ये टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, तो हम फाइनल में पहुंचे। साथ लास्ट दो सवाल, जो भी इनिंग्स आपने खेली अब तक PSL 3 में, सबसे यादगार इनिंग्स आपकी कौन सी रही है? जी बिल्कुल, मेरी सबसे यादगार इनिंग कराची के खिलाफ थी, शारजा में, जो बहुत क्रूशल मैच था और उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरत भी थी रन्स की, जिसमें मेरी और स्कीपर की सेमी की पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से हमें अच्छा टोटल मिला और हम मैच जीते। साथ इंतजार बहुत ज्यादा है, तमाम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फैंस ही जानना चाहेंगे, आपने कराची में डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, कुछ पिच के बारे में बताएं, कैसी विकेट होगी, कितना स्कोर एक्सपेक्ट करें, मैच कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कराची में मैं 8-10 साल से रमज़ान क्रिकेट, दूसरी वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो पिच तो अच्छा होता है, अच्छा हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन अभी पिच देखा नहीं, अभी जाके पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, कराची स्टेडियम में मैचेस नहीं खेले, वैसे ये आउट बाहर साइड पे जैसे कराची जिम खाना हो गया, मोइन भाई के ग्राउंड में मैच खेले हैं, तो अब ये जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद पता लग जाएगा कैसा पिच है। साथ लाहौर से आपका ताल्लुक है, सारे लाहौरी आपके साथ हैं, दोस्त वालों की फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, लाहौर से ताल्लुक़ है, लेकिन कराची में भी बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं, और वो भी मुझे टिकट्स की बहुत टेंशन हो रही है इधर, और नवाब शाह से लाहौर से कह रहे हैं कि हम देखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि आप टीवी पे देखिए और दुआ करें कि हम फाइनल जीतें। बहुत शुक्रिया साथ, थैंक यू।